यहाँ पे देखेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे स्क्रीन भी रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, सो दैट कि हम बहुत ही इजी वे में यहाँ पे हर एक चीजों को क्लियरली बारीकियों से अच्छे से डिस्कस कर सके। एंड आज का जो हमारा ये वेबिनार है, ये फेसबुक लाइव भी हो गया है अभी। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप लोग अपने टीम मेंबर्स को भी इसको शेयर करते रहिए, ताकि और पर्सन जो है ज्वाइन होते रहे आज के हमारे इस वेबिनार में। और जस्ट टेल मी कि मेरा स्क्रीन जो है ये विजिबल है या नहीं, प्लीज डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जो मेरा स्क्रीन है वो विजिबल अभी है या नहीं है। थैंक यू सो मच फाल्गुनी मैम, थैंक यू सो मच लोकनाथ सर। सो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि सबसे पहला जो पेज है हमारा, वो पेज देखने से ही पूरा हमें ये चीजें तो 100% क्लियर हो ही गई हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ आज क्रिस्टल क्लियर ग्लोई स्किन के लिए क्या ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है, क्या ऐसी चीजें हैं जो हम यूज करेंगे वो हमारे लिए बेटर होंगी। तो हमें बहुत ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा ओवर लेयर्ड ऑफ मेकअप यूज करने की जरूरत नहीं है। एक प्रॉपर स्किन केयर की वजह से ही हमारा स्किन काफी ग्लोई हो सकता है। सो इन्हीं के साथ साथ लेट मी टेल यू वन थिंग कि हमारा चैट बॉक्स जो है, चैट बॉक्स में ये फेसबुक लाइव जो कि हो चुका है, यहाँ पे उनके लिंक भी शेयर आउट कर दिए गए हैं। आप अपनी टीम मेंबर्स को भी अच्छे से आप अपना ये जो लिंक है वो भी शेयर कर सकते हैं कि अगर जिनको भी फेसबुक से कनेक्ट करना है, दोज हु वॉन्ट्स टू यू नो कनेक्ट विद द फेसबुक, दे कैन कनेक्ट विद द फेसबुक। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो स्किन है, हम केयर करते हैं, सब कुछ है, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे रीजन होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारा स्किन जो ग्लोई रहता है वो ग्लोई नहीं हो पाता है, राइट। इन्हीं के साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि सरप्राइजिंग स्किन केयर क्या है डूज एंड डोंट्स के, राइट। तो यहाँ पे वही सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी कि सरप्राइजिंग डूज एंड डोंट्स क्या है कि हम अपना स्किन का केयर करें तो हमें क्या चीजें करनी है, क्या चीजें हमें नहीं करनी है। सबसे पहला पॉइंट है डू में जो कि हमें करना है, वो है हमें हमेशा ही सनस्क्रीन यूज करते रहने की जरूरत है। अगर हम सनस्क्रीन यूज नहीं करते हैं, हमारा स्किन ऑटोमेटिकली ही धीरे धीरे करके खराब होने का कंडीशन काफी ज्यादा हो जाता है, और लाइक एजिंग बहुत ज्यादा आने लग जाती है। एज से पहले एजिंग आने लग जाना, फाइन लाइन रिंकल्स आने लग जाना, स्किन में ब्राउन कलर के स्पॉट्स आने लग जाना, ये सारे रीजन होते हैं। सो दैट इज व्हाई डूज में हमें अपने स्किन को केयर करने के लिए हमें सनस्क्रीन यूज डेली करना जरूरी है। डोंट में डोंट फॉरगेट टू मॉइस्चराइज डेली। कभी कभी ऐसा क्या होता है, स्पेशली ये ना आई बिलीव कि ऑयली स्किन वाले बहुत ज्यादा ऐसा कुछ सोचते हैं कि अगर हमारा फेस तो ऐसे भी, या फिर जिसका फेस ड्राई भी है गर्मियों के सीजन में स्पेशली, कि पसीने तो निकल ही रहे हैं, बहुत चिपचिपा सा चेहरा तो लग ही रहा है, तो क्या जरूरत है हमें मॉइस्चराइजर लगाने की। ऐसे ही पसीने से ही बहुत ऐसा मतलब कंडीशन खराब हो जाता है, इतनी गर्मी लगती है कि कुछ मन नहीं करता है लगाने का। बट ये बहुत ही ज्यादा ये एक मिथ है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर हम अपने स्किन को मॉइस्चराइज नरिश नहीं करेंगे तो हमारा स्किन बहुत जल्दी ही खराब हो जाएगा। मान लीजिए एक सिंपल सा, अगर मैं एक एग्जांपल देके बोलूं तो, अगर हम अपने घर में कुछ भी पौधे रखते हैं, प्लांट रखते हैं, उसमें पानी डालते हैं तभी तो वो ग्रीन रहता है, बड़ा होता है, अच्छा रहता है। लेकिन अगर हम अपने घर पे जो प्लांट है उसमें पानी ही ना डालें, तो चाहे वो पहले से ही ग्रीन है लेकिन हम पानी डालना बंद कर देंगे, बहुत टाइम तक हम उसमें पानी नहीं डालेंगे, तो वो तो पूरा मुरझा जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा सूख के। वैसे ही हमारा स्किन भी होता है, हमारे स्किन को भी। ऑल दो हम ह्यूमन बीइंग जो है, ऐसा थोड़ी है कि हम पूरा सूख गए, फिर भी हम हमेशा हाइड्रेट होने के लिए पानी पीते रहते हैं, खाना खाते हैं ताकि हमारी बॉडी में हाइड्रेशन हो। हमारी स्किन को भी तो हाइड्रेशन, एक्सटर्नल हाइड्रेशन की जरूरत है, और एक्सटर्नल हाइड्रेशन हमें मॉइस्चराइजर से मिलती है।
थर्ड यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें जो करनी चाहिए वो है गिव योर बॉडी सम लव. हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा पैम्पर करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा. और मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों से जरूर पूछना चाहूंगी, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज चैट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही एवरीवन में भी मैसेज कर सकते हैं. आप में से जितने भी पर्सन यहाँ पे है, कितने पर्सन ऐसे है जो शॉर्ट टाइम बात लेते हैं, मतलब थोड़ा जल्दी नहा लेते हैं, और कितने पर्सन ऐसे हैं जो बहुत देर तक नहाते हैं, उनकी आदत है कि हम लोग मतलब कि वो बहुत देर तक नहाते हैं. सो प्लीज आप लोग एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि लॉन्ग टाइम है या शॉर्ट टाइम है आपके जो लाइफ में जो बाथिंग टाइम है वो. शॉर्ट टाइम, गुड टू नो, शॉर्ट टाइम. ओके, बाकी लोग नहीं नहाते ऐसा है. ओके, शॉर्ट टाइम फाल्गुनी मैम, शॉर्ट टाइम. ओके, सो हर कोई शॉर्ट टाइम बात ही लेते हैं, गुड टू नो. लेकिन बहुत टाइम हमने हमने ये चीजें जो नोटिस की है, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं जब हमारे घर कभी आते हैं, तो ऐसा ऐसा रहता है कि वो लोग एक बार जब नहाने के लिए बाथरूम में जाते हैं तो वो लोग बहुत देर तक नहाते हैं, कम से कम आधे घंटे भी हो जाते हैं, 1 आवर भी हो जाते हैं. तो मतलब अगर हम बहुत ज्यादा टाइम तक बात लेते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक भी बात लेते हैं, स्पेशली हॉट वाटर बात लेते हैं, तो वो हमारे हेल्थ के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता है. क्योंकि अगर हमारा बॉडी पे, अगर जैसे मान लीजिए कि अभी हमने चेहरा धोया, अभी हमने नहाया, ठीक है, हमारा बॉडी सूख गया, सूखने के बाद हमारी बॉडी में से जो पसीने निकल रहे हैं, नेचुरल ऑयल निकल रहे हैं, उसी के वजह से हमारा स्किन भी तो हल्का, मतलब नेचुरली भी मॉइस्चराइजर का वो काम करती है और एक्सटर्नली भी हम लगाते हैं. तो अब मान लीजिए कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर से पसीना निकल रहा है, मॉइस्चर निकल रहा है, वैसे हमने पानी से धो दिया, फिर से हम थोड़ा सा मतलब पसीना निकलना चालू हो रहा है, फिर से हमने पानी से धो दिया. तो अगर हम लॉन्ग टाइम बाथ लेते हैं, या फिर अगर हर थोड़ी थोड़ी देर पे, किसी किसी की आदतें होती हैं, ओके, मॉर्निंग में शॉर्ट टाइम एंड इवनिंग में लॉन्ग टाइम बाथ, गुड टू नो. ये जो हम लॉन्ग टाइम बात लेते हैं, इसके वजह से हमारा स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है. मान लीजिए कि अभी मेरे फेस पे बहुत सारे पसीने हैं, इवन अगर आपको दिख भी रहा होगा तो शायद हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा है. मान लीजिए, जस्ट टेक इट एज एग्जांपल, कि अगर मेरे फेस पे बहुत ज्यादा पसीने हैं, मैं उसको पानी से धो दूंगी, पसीने चले जाएंगे, लेकिन फिर जब सूखने लग जाएगा मेरा चेहरे से पानी, तो फिर से वो मॉइस्चर लेवल जो है वो बाहर की तरफ आने लग जाएगा, ताकि मेरे स्किन को वो प्रिवेंट कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन फिर उसके बाद मैं फिर से अपने चेहरे को पानी से धो दूंगी. अगर बार बार हम पानी से अपने चेहरे को वॉश करते रहेंगे, लॉन्ग टाइम बाथ लेते रहेंगे, जिसके वजह से हमारा स्किन डिहाइड्रेशन हो जाएगा, काफी ज्यादा डिहाइड्रेशन, ड्राइनेस काफी ज्यादा हो जाएगी, और ओवर मैच्योर्ड भी हल्का हल्का दिखने लग जाएंगे. सो हमें कोशिश करनी है कि हमारे चेहरे को हर वक्त, क्योंकि आदतें होती हैं कि गर्मी लग रहा है तो हर थोड़े थोड़े देर पे, आधे घंटे पे, दो दो घंटे पे अपने चेहरे को धोते रहते हैं. अगर चेहरा गंदा नहीं हुआ है, धूल मिट्टी नहीं गई है, तो मत धोइए. अगर सिर्फ पसीना हो रहा है, पसीने तो फैन में भी बैठेंगे, एसी में भी बैठेंगे, तो पसीने तो सूख ही जाएंगे. तो सिर्फ पसीने होने के लिए हमें चेहरा धोने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, राइट. डोंट में है कि डोंट नेग्लेक्ट योर नेक. हम हमेशा अपनी जब भी स्किन का केयर करते हैं, कभी कभी ऐसा हम करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है हम नेक तक यूज करेंगे तो वो खराब होने लग जाएगा, मतलब वहां पे प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ यहां तक ही लगाते हैं अपना जो भी फेस में केयर करते हैं. बट ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर हम अपना खाली चेहरा का केयर करेंगे, नेक तक केयर नहीं करेंगे, तो जिसके वजह से फेस का कलर कुछ और रहेगा, गले का कलर कुछ और रहेगा. तो हमें हमेशा अपने नेक तक अपने स्किन को अच्छे से पैम्पर करने की, केयर करने की जरूरत है. लोड अप विथ एंटीऑक्सीडेंट, ऐसी चीजें आप यूज करिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट है. डोंट ओवर एक्सफोलिएट, आपको ओवर एक्सफोलिएट करने की जरूरत नहीं है. आई बिलीव ये स्क्रब के टाइम बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, देखने को हमें मिलती है. शायद हो सकता है लैक ऑफ नॉलेज के वजह से, या फिर किसी ने अगर वैसा ही बता दिया है तो वो तो एक अलग चीज है. हमें जब स्क्रब करना रहता है, स्क्रब हमें हफ्ते में 1 से 2 ही बार करना रहता है,
लेकिन जब हमें किसी ने बोल दिया कि ये जो स्क्रब है, स्क्रब आप डेली डेली यूज करिए, तो वो लोग जो है वो डेली डेली स्क्रब करने लग जाते हैं। हद से ज्यादा हमें स्क्रब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्रब में ग्रेनल्स होते हैं। सो ओवर एक्सफोलिएट हमें करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो न्यू स्किन सेल भी है, जो वो भी हमारा 21 से 28 डेज में आता है, 21 से 28 दिन में आते हैं, तो हम डेली डेली स्क्रब क्यों करें? सो दोसो थिंग्स की हमें स्क्रब डेली करना चाहिए, वो एक बहुत बड़ी मिथ है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमें वैसा नहीं करना चाहिए। जल्दी जल्दी स्किन का जो लाइक हम लोग बोल सकते हैं, स्किन उन लोगों का आता है जिनको सोराइसिस का प्रॉब्लम रहता है, जिसको सीवियर कंडीशन में सोराइसिस का प्रॉब्लम है, उन लोगों को बोल सकते हैं हम लोग कि हफ्ते हफ्ते में न्यू स्किन सेल आने लग जाते हैं। मतलब जो ऊपर वाले स्किन है वो डेड होता नहीं है, तब तक वो न्यू स्किन सेल आने लग जाता है। अगर वो सोराइसिस का प्रॉब्लम है बट सीवियर नहीं है, तो होता क्या है कि 10 से 15 दिन के अंदर में न्यू स्किन सेल्स आने लग जाते हैं। तो हमें तो अब वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमारा स्किन तो नॉर्मल है, कोई सोराइसिस के ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट इज व्हाई हफ्ते में 1 से 2 दिन भी अगर हम स्क्रब करेंगे उतना ही काफी है, हद से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। डूज में जो हमें देखना है वो है रिमूव मेकअप बिफोर बेड। कभी कभी आलस आने के वजह से थोड़ा सा ऐसा लगता है, थक जाते हैं, छोड़ो कुछ नहीं होगा, सुबह उठ के अपना फेस को वॉश कर लेंगे, लेकिन कभी कभी यही जो चीजें रहती हैं वो आदतें धीरे धीरे बनने लग जाती हैं। एंड मेकअप करके हम सोते हैं, मेकअप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जिसकी वजह से हमारा स्किन जो है वो ओवर मेच्योर दिखने लग जाता है। तो हमें मेकअप हमेशा थोड़ा सा रिमूव करके रखने की जरूरत है। मान लीजिए कि अगर हमारे चेहरे को किसी ने प्लास्टिक से एकदम रैप कर दिया है, बांध दिया है, हम सांस नहीं ले पा रहे, हम ब्रीद नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर हमारा चेहरा जो है, हमारा बॉडी जो है, किसी ने फिर बांधा नहीं है प्लास्टिक से, उसको फिर खोल दिया है, तब ऐसा लगता है कि हम अच्छे से ब्रीद कर पा रहे हैं। हमारा मेकअप के साथ भी वैसा ही होता है, मेकअप लगा के अगर हम सोते हैं तो हमारा स्किन सांस नहीं ले पाएगा, ब्रीद नहीं कर पाएगा। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन कि आपने कोई भी अगर लाइट मेकअप भी किया है तो भी आप अपने फेस को क्लीन करेंगे, उसको क्लीन करके ही सोएंगे। डोंट स्किप स्लीप स्लीप हमें स्लीप जो है प्रॉपर लेने की जरूरत है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कि हम उसमें शॉर्ट टाइमर करने लग जाए, तो ऐसा हमें नहीं करना है। इन्हीं के साथ में यह हमने डूज एंड डोंट्स के बारे में यहाँ पे जो देखा है, अब क्या ऐसी चीजें, हमने तो ये पता कर ली कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हमें किस तरह से करना है, क्या ऐसी चीजों को यूज करने की जरूरत है जिसके वजह से हम हेल्दी रहे, जिसके वजह से हमारा स्किन ग्लोई रहे, एंड वो ग्लोई स्किन बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए हमारे पास मार्वलस प्रोडक्ट है। एंड दैट प्रोडक्ट इज बेसिकली केवा डेली ब्यूटी किट। इसमें ये जो प्रोडक्ट है, आप लोग अगर आप लोग यूज कर रहे हैं, आप लोगों के पास डेली आप इसको यूज भी कर रहे हैं, आपने परचेज करके रखा है, एक बार आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि यस यू हैव परचेज दिस, क्योंकि आई बिलीव कुछ टाइम पहले जो डेली ब्यूटी किट है, नॉट दिस टाइम, क्योंकि कुछ टाइम पहले एक बार जब भी बाय वन गेट टू का ऑफर्स आया था, कुछ ऐसा आया था, तो ये डेली ब्यूटी किट भी जरूर उसमें एड ऑन था। सो आई बिलीव आप लोगों ने इसको लिया होगा, इफ यस आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आप लोगों ने ऑलरेडी इसको लिया हुआ है। भाविक जी गुड टू नो कि आपने इसको परचेस किया है, लिया है। इफ नॉट अगर जिन्होंने नहीं लिया है जरूर एक बार ट्राई करके देखिए, क्योंकि ये एक किट है। किट का मतलब ही है कि इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, ऐसा एक प्रोडक्ट तो होगा नहीं, राइट, जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करके रखने का काम करेंगी। कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज तब होंगी जब हम खुद हेल्दी रहेंगे, जब हमारा स्किन ग्लोई रहेगा। और अभी के टाइम में, क्योंकि अभी समर सीजन है, मान लीजिए कि अगर हमने अपना स्किन में अच्छा खासा मेकअप किया हुआ है, लेकिन हम बाहर गए,
हमें पसीने होने लग गए, पूरा मेकअप धुल गया। तो इसी वजह से हम क्यों ना अपने स्किन को इतना हेल्दी रखे, इतना ज्यादा शाइनी और ग्लोई रखे कि हमें किसी भी मेकअप प्रोडक्ट की जरूरत ना पड़े। हम स्किन केयर ही इतना अच्छा कर ले कि स्किन केयर के वजह से ही हमारा स्किन इतना ग्लोई और बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हेल्दी रहे, स्किन में कोई भी हमें दाग धब्बे देखने को ना मिले। स्किन का कलर जो होता है वो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, और हम लोग जो है इंडियन जो है हमारा स्किन का कलर ऐसा ही होता है जो हमें अभी यहाँ पे दिख रहा है, जिसको हम लोग व्हीटिश कलर, गेहूं कलर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्शन ऐसे रहेंगे, कॉम्प्लेक्शन जो भी हो, लेकिन उनका फेस उसी कॉम्प्लेक्शन में बहुत ही ज्यादा क्लियर हो, बहुत ज्यादा ग्लोई हो, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्किन, जो कि ये वही बनाए रखने का काम करते हैं, बहुत ही अच्छे से बरकरार रखते हैं। सो जो ये हमारा डेली किट है, डेली ब्यूटी किट है, इसमें सबसे पहले आपका फेस क्लेंजिंग लोशन आएगा जो कि 50 ml के है, शैम्पू प्लस बॉडी वॉश है आप यूज कर सकते हैं, फेस सीरम है और सनस्क्रीन लोशन भी है। आपने नोटिस किया होगा एक चीज कि जो फेस सीरम है हमारे जो ब्यूटी डेली किट में जो आते हैं, यहाँ पे आपको बेसिकली देखने को मिल जाएंगे, और सीरम यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे आपको अलग से देखने को अभी फिलहाल तो नहीं मिलेंगे, आपको ब्यूटी किट में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखिए फेस क्लेंजिंग लोशन के बारे में, क्लेंजर लोशन के बारे में, ये पूरा जो किट है हमारा, ये जो पूरा किट है ये हमारा विटामिन सी से एनरिच्ड किया हुआ है, इसको डिराइव किया हुआ है, और विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। जब कोरोना आया था तो हमें कैसे बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट में, न्यूज में, हर जगह पे हमें ये बताया गया था कि विटामिन सी लेना चाहिए, विटामिन सी हमारी बॉडी में जाना चाहिए, विटामिन सी हमारे स्किन को भी तो जरूरत है, तो इसी वजह से हमें विटामिन सी को इंटरनली और एक्सटर्नली भी यूज करना है। एक्सटर्नली हम कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं, अपने आप हेल्थ का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ हेल्थ का ख्याल रखेंगे लेकिन हेल्थ का ख्याल रखने की वजह से धूल मिट्टी जो लग गई है हमारे चेहरे पे वो तो नहीं चली जाएगी। ऑब्वियसली धूल मिट्टी जाने के लिए हमें उसको अलग से प्रोडक्ट, एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स भी यूज करने की जरूरत है, राइट? सो ये हमारा डेली स्किन केयर के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करती है, बहुत ही अच्छे से काम भी आती है। इन्हीं के साथ साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑल टाइप स्किन के लिए है, इसको ऑयली स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले, इसको हर कोई ही यूज कर सकते हैं, और इन्हीं के साथ साथ इजिली इनको हम बोल सकते हैं कि काइपो फेस क्लेंजर जो है ये वन स्टेप सोल्यूशन है फॉर ड्राई स्किन। जिनका स्किन सेंसिटिव है, जिनको लगता है कि उनके तो चेहरे पे कुछ भी लगाने से कुछ भी चीजें हो जाती हैं, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये डेफिनेटली ये सेंसिटिव स्किन वाले भी अच्छे से यूज कर सकते हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है इसके लिए। जिनका स्किन धूप की वजह से, सनबर्न की वजह से डार्क और डैमेज हो गया है, खराब हो गया है, रीजन कुछ भी रीजन हो सकता है, ब्राउन स्पॉट्स आने लग गए हैं, ये उनको भी ट्रीट करने का काम करेंगे। ये जेंटल क्लेंजिंग है विदाउट कॉजिंग ड्राइनेस, ये आपके चेहरे को ड्राइनेस नहीं होने देता है, ये डर्ट को, जितना भी गंदगी है, डेड स्किन है, ये उनको हटाता है। एक्सेस ऑयल है, मतलब जिसकी जरूरत नहीं है, अनवांटेड ऑयल जो है उनको हटाते हैं, सेफ है, रिड्यूस करते हैं। अगर किन्हीं को स्किन में इरिटेशन का प्रॉब्लम है, ऐसा लगता है कि स्किन में हमेशा इरिटेशन होती है, इचिंग होने लग जाती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सेंसिटिव है, उनके लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं, क्योंकि ये स्किन फ्रेंडली, ये पीएच बैलेंस को मेंटेन करते हैं, जो कि हमारा 4.5 to 5.5 तक हमारा स्किन का पीएच बैलेंस रहता है, राइट? इन्हीं के साथ साथ हमने क्या करना है, जस्ट अपने फेस को थोड़ा सा गीला करना है। गीला करने के बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पे क्लेंजर लेने की जरूरत है, हाथों में इमल्सिफाई करना है, मिलाना है, देन जिस तरह से आप फेस वॉश करते हैं टिल नेक तक, वैसे ही आपको इसको करने की जरूरत है। सो आप इस तरह से करेंगे तो बेटर रहेगा, बहुत ही अच्छे से काम करेगा। इन्हीं के साथ साथ अगर आपको लगता है कि आप किसी को डेमो दिखा रहे हैं, तो उस टाइम में अगर आपके पास कॉटन है या टिश्यू है आप उससे पोंछ सकते हैं, लेकिन आई रिकमेंड कि अगर वैसा नहीं
नहीं है, आप खुद घर पे यूज कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ यू नो वॉश लाइक क्लेंजिंग विद कॉटन, कॉटन से साफ करने से अच्छा है कि हम लोग वॉशरूम में जाके या फिर बेसिन में जाके अच्छे से अपने फेस को वॉश कर ले, क्योंकि वो पूरा हल्का सा भी बचा नहीं रहेगा, सोपी जो भी है पूरा ही निकल जाएगा, क्योंकि हमने तो इसको फेस से क्लीन करना है, इसको फेस पे तो रखने की जरूरत नहीं है, अच्छे से फेस वॉश की तरह करके इसको हटा देना है। और जिस टाइम आप क्लेंजिंग करेंगे, अपने चेहरे को साफ करेंगे, उस टाइम आपको स्क्रब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका क्लेंजर से भी तो चेहरा साफ हो जा रहा है, तो आपको अलग से स्क्रब करने की जरूरत नहीं है, स्क्रब आप दूसरे दिन कर सकते हैं, या फिर जिस टाइम आप स्क्रब करेंगे उस टाइम आप इसको यूज नहीं करेंगे, आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जिस प्रोडक्ट के बारे में, इस किट में एक अनदर प्रोडक्ट जो है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, डिस्कस करेंगे, एंड दैट प्रोडक्ट इज शैम्पू प्लस बॉडी वॉश। ये आपका शैम्पू का भी काम करेगा, ये आपका बॉडी वॉश का भी काम करेगा। सो जब हम ट्रैवल करते हैं यू नो, तो कभी कभी ऐसा रहता है कि अरे हम तो सोप लाना भूल गए, हम तो बॉडी वॉश लाना भूल गए, हमने शैम्पू लाना हम भूल गए, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है, राइट? ये पॉसिबल हो, पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसको अगर हम लोग अपना, ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है, काफी अच्छा खासा है, तो अगर आप इसको अपने बैग में भी रखते हैं, आपका शैम्पू का भी काम कर देगा, इसी के साथ साथ आपका बॉडी वॉश का भी काफी अच्छा खासा वे में ये काम कर देंगे। इसमें लैवेंडर एसेंशियल ऑयल है, ऑरेंज एक्सट्रैक्ट है, विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड है, और इन्हीं के साथ साथ आप इसको दोनों तरह से ही, ये टू इन वन का काम करता है, बॉडी वॉश का भी काम करेगा, शैम्पू का भी काम करेगा। लैवेंडर एक्सट्रैक्ट जो है, अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो गया है, तो ये डैंड्रफ को भी अच्छे से रिमूव करने का काम करेगा, चाहे वो डैंड्रफ कोई भी हो, ऑयली हो या ड्राई हो, डजंट मैटर, ये डैंड्रफ को भी रिमूव करेगा। सो जिस तरह से हम शैम्पू करते हैं उसी तरह से ही हमने इसको यूज करना है। और बॉडी वॉश की अगर हम बात करें, तो बॉडी वॉश अपने बॉडी को थोड़ा गीला करके, थोड़ा सा बॉडी वॉश लेके आप अपने पूरी बॉडी में इसको यूज करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे से मार्वलस वे में आपका काम करेंगे। इसी के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब यू नो थोड़ा सा दिक्कतें अगर आपको आती है कि वो फैल नहीं पाता है, जो भी है, तो अगर आपके पास लूफा रहता है, राइट? सो अगर आपके पास लूफा रहता है तो वो भी आप उससे भी अच्छे से आप यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छे से बेटर वे में काम करेगा। इंस्टेड मैं बहुत ज्यादा यू नो लाइक बोल कि आप प्लास्टिक को बार बार अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा लगाएंगे, तो मैं उतना ज्यादा उनको प्रेफर नहीं करना चाहती हूँ, और मैं ये भी नहीं चाहूंगी कि आप भी बहुत ज्यादा प्लास्टिक को अपने बॉडी में रब करते जाए, रगड़े। तो अगर आपके घर पे एक छोटा सा लाइक थोड़ा सा थिक सा मोटा सा जो टॉवल होता है ना, फेस टॉवल होता है, अगर मतलब इतना बड़ा सा रहता है, उसको क्या करेंगे आप, पूरा ऐसे फोल्ड कर देंगे, मतलब इतना, मतलब उसका जो स्क्वायर शेप रहेगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा, राइट? उसको स्क्वायर शेप को आप वैसे रख लेंगे, गीला कर लेंगे उस टॉवल को, छोटा सा जो टॉवल है उसको आप पूरा भिगा लेंगे, गीला कर लेंगे, उस टॉवल के ऊपर ही थोड़ा सा आप बॉडी वॉश को डालेंगे, और बॉडी वॉश डालने के बाद उस टॉवल से ही आप अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से एज अ लूफा के तौर पर आप उसको यूज करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक अगर आप बहुत ज्यादा अपनी बॉडी में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो प्लास्टिक हमारे बॉडी के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है, और सबका बॉडी तो एक जैसा है भी नहीं, किसी का बॉडी सेंसिटिव है, अगर मतलब बहुत ज्यादा उसने प्लास्टिक से यू नो रब किया तो कहीं स्क्रैच हो गया, तो रेडनेस हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो सो इट्स बेटर कि हम लोग कॉटन का ही यूज करें, हम लोग कपड़े का ही यूज करें, टॉवल का ही यूज करें तो बेटर रहेगा। तो इस तरह से हम करेंगे तो ये हमारा होममेड लूफा भी हो जाएगा, और हमारे स्किन को भी बहुत अच्छे से प्रिवेंट करेगा, जितना उसको रब होने की जरूरत है वो सिर्फ उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। इस तरह से अगर आप करेंगे बहुत ही अच्छे से, 100% गारंटी के साथ मैं बोल सकती हूँ, बहुत ही अच्छे से आपका ये मार्वलस वे में असर करेगा। इससे लादर जो है, इससे जो आपका यू नो थोड़ा सा फेन फेन जो आने लग जाता है, तो वो बहुत ही अच्छे से आएगा, इस तरह से अगर आप लूफा का यूज करके करते हैं तो, और जहां पे थोड़ा सा डस्ट रहता है, गंदगी रहती है, वो भी अच्छे से निकल जाएगा। इन्हीं के साथ साथ में हम लोग जो थर्ड प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे देखेंगे वो है हमारा
स्काइपो फेस सेरम, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अभी आपको यहीं पे ही किट में ही देखने को मिलेगा, रादर देन आपको बाहर में अभी देखने को अलग से नहीं मिलेगा ये। और इसकी स्पेशलाइज्ड की अगर मैं बात करूं, ये एनरिच्ड है, ये विटामिन सी बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में पाई जाती है और ऑलिव ऑयल भी इसमें डाले गए हैं, विच मीन्स हम लोग बोल सकते हैं, अगर आप मार्केट से कंपेयर करेंगे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी किसी कंपनी का, बट यस आप लोग एक बार मार्केट में सर्च करेंगे, जो विटामिन सी सेरम होता है वो काफी ज्यादा कॉस्टली भी आते हैं। मैं एक ऐसा ब्रांड के बारे में जरूर बोलना चाहूंगी एक, बट उसका नाम नहीं लूंगी, उनके जो विटामिन सी जो सेरम होते हैं वो रहता जो है वो काफी कम ही रहता है, 50 ml का रहता है या फिर 30 ml का रहता है, इतना छोटा सा ही रहता है इन्हीं के साथ साथ, लेकिन उसका जो कॉस्ट होता है वो 6,000 rupees होता है। तो जो 6,000 का सिर्फ इतना छोटा सा जो सेरम रहेगा, फिर वो काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, और उसको आपको 1 महीने के अंदर ही यूज करना है अगर आपने एक बार उसका सील ओपन कर दिया तो, क्योंकि वो 1 महीने के बाद फिर येल्लो होने लग जाता है, मतलब उसका इफेक्ट कम होने लग जाता है। आपको इसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, ये आप कंपैरिजन कर सकते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है विटामिन सी जो सेरम है ये क्यों बेटर है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको इसको 1 महीने में लगा के खत्म कर ही देना है, हो सकता है कि 1 महीने से ज्यादा भी आपका ये प्रोडक्ट बच जाए तो आप उससे ज्यादा भी लगाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, इसका इफेक्ट जो है वो वही रहेगा। इन्हीं के साथ साथ ये विटामिन सी है, विटामिन सी सेरम बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं, बट वी आर लकी दैट वी आर इन केवा कंपनी की, क्योंकि हमें जो विटामिन सी सेरम है ये इसको हमें किट के अंदर प्रोवाइड हो रही है जो कि ऑल टाइप स्किन के लिए है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे इन प्रोडक्ट्स के इन किट के जो इंग्रेडिएंट है, जैसे लैवेंडर के बारे में हमने बात किया, विटामिन सी के बारे में बात किया, लैवेंडर जो है ट्रीट करते हैं एक्ने, रैशेस, एलर्जी होने लग जाता है, पिंपल होने लग जाता है, दाग धब्बे होते हैं, छाइयां आने लग जाती हैं, रिंकल्स आने लग जाते हैं, इरिटेशन, ईचिंग होने लग जाती है, इंसेक्ट बाइट होते हैं, बर्न होने लग जाते हैं, घाव जो होते हैं वो जो भरते नहीं है जल्दी, ये उन सबको ठीक करने का काम करते हैं। विटामिन सी मिनिमाइज करते हैं वाटर लॉस, अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया है, वाटर लॉस हो गया है, ये उसकी कमी को ये कम करते हैं, ये इन्हीं के साथ साथ रिटेन करते हैं आपके में मॉइस्चर लेवल, रेडनेस को मिनिमाइज करते हैं ताकि इंफ्लेमेशन, जो ईचिंग है, जो सेंसिटिव स्किन है, ये उनको कम कर सके, दाग धब्बों को कम कर सके और हमारा एजिंग से भी हमें प्रिवेंट कर सके, बचा सके। हमने क्या करना है, ये जो बॉटल है ऊपर में जो ड्रॉपर दिख रहा है, जस्ट उस बॉटल उसका ढक्कन को, उसके कैप को हमें खोलने की जरूरत है, उस ड्रॉपर को हमें एक साफ फिंगर टिप से, फिंगर्स को साफ करके ड्रॉपर को हम पुश करेंगे, एक बार उस ड्रॉपर के अंदर जो लाइक जो है उसमें पूरा विटामिन सी जो है जितना जाना चाहिए वो उतना आ जाएगा। आपने क्या करना है, अपने फेस में ड्रॉप करके अच्छे से फोरहेड के पास, चीक्स के पास, चिन एरियाज के पास, गले के पास अच्छे से लेके लगाना है, मिला लेना है। और ऑलवेज रिमेम्बर, जो हम हमेशा मैं आप लोगों से ये जरूर शेयर करती हूँ, हमें मॉइस्चराइजर और सेरम सिर्फ और सिर्फ उतना ही मिलाने का जरूरत है जब तक हमारे चेहरे पे हम ऐसे सर्कुलर मोशन में मिला सके। हमें उसको बहुत देर तक ऐसे से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके इतना देर तक मिलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत देर तक इस तरह से मिलाते रहेंगे, आपका पूरा जो चीक चीक एरिया है वो बहुत रेड हो जाएगा, आपको बर्निंग सेंसेशन, मतलब ऐसे लगेगा हॉट जैसा, गरम गरम जैसा लगेगा। तो इतना प्रेशर हमें देने की जरूरत नहीं है, जितना आपने ऐसे मिला लिया है पूरा गला में फेस में उतना काफी है। उसके बाद आपको ऐसे थप थप करना है, डैप डैप करना है ताकि वो अंदर जाए। हमें बोलते हैं ना पब्लिसिटी, दिखावा के लिए तो कोई चीज नहीं लगानी है, हमने इसलिए लगाना है ताकि वो अंदर जाए और हमारा काम करे हमारे स्किन में, राइट। इन्हीं के इसी तरह से ही हमें विटामिन सी जो है फेस सीरम यूज करने की जरूरत है, और इन्हीं के साथ साथ में दिन में 2 बार इसको यूज करेंगे, बहुत ही अच्छे से ये काम करेगा, पीनट साइज जितना लेने की जरूरत है। और इन्हीं के साथ साथ सबसे लास्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम जिस प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है हमारा विटामिन सी मिक्स्ड
फ्रूट एक्सट्रैक्ट सनस्क्रीन जो कि SPF 30 है, बहुत ही अच्छे से आपका वर्क करेगा, काम करेगा। इन्हीं के साथ साथ आपको जो फोटो एजिंग होने लग जाती है धूप की किरणों की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, ये आपको उनसे प्रिवेंट करेंगे। घर से बाहर निकलने से एटलीस्ट 15 से 20 मिनट पहले आपने इसको लगाना है। मैं तो बोलूंगी उतनी भी रुकने की जरूरत नहीं है। आप सुबह में आप अपने स्किन का जो केयर करते हैं उसी टाइम ही आपको सनस्क्रीन लगाना है। सनस्क्रीन में कहीं भी नहीं लिखा रहता है कि आप खाली उसको चेहरे पे लगाइए। जो भी आपका बॉडी पार्ट एक्सपोज बॉडी एरिया है जो कपड़े से ढका हुआ नहीं है, जैसे कि फेस हो गए, गले हो गए, हैंड हो गए, अगर इतना भी अगर हैंड ओपन रहता है, लेग हो गए, फीच एरियाज आपका जो कपड़े से ढका हुआ नहीं रहता है, आप जरूर वहां पे सनस्क्रीन को यूज करेंगे ताकि बहुत ही अच्छे से आपका हेल्प करेगा, ताकि आपका स्किन डार्क और डैमेज ना हो। अगर पहले से हो गया है धूप के वजह से, अब हो गया क्या करेंगे, लेकिन जो पहले से डार्क हो गया है उसको हमें हेल्प करना है ताकि वो चले भी जाए, दाग तो ना रहे, क्योंकि जितना पुराना वो दाग होने लग जाएगा वो उतना ही मुश्किल हो जाएगा जाने में। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इसको यूज करने की जरूरत है। और जो हमारा प्रोडक्ट है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है, अब कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि वो किस तरह से हम इसको यूज करेंगे तो बेटर रहेगा, हाउ टू यूज, यहाँ पे आप जरूर एक बार देखिएगा AM और PM को किस तरह से आपको इसको यूज करने की जरूरत है। सबसे पहला है जो आप सुबह में करेंगे वो है आपका फेस वॉश। तो आपका यहाँ पे जो क्लेंजर है, जो हमारा विटामिन C फेस क्लेंजर है इस किट के अंदर, आप इस क्लेंजर को यूज करेंगे। राइट, आपने फेस को वॉश कर लिया। मान लीजिए कि हम कभी भी, हमें बचपन से स्कूल से हमारे पेरेंट्स से भी, हमारे पेरेंट्स से पेरेंट्स ने हमें बचपन से सिखाया है, इवन हमारे स्कूल में भी, कि जब भी आप खाना खाए आप अपने खाना खाने से पहले हाथ को धोए। राइट, तो इसी तरह ही अगर हम, कभी कभी आदतें होती हैं, हम बार बार अपने चेहरे को टच करने लग जाते हैं, हमारे हाथों में गंदगियां भी तो रहती है, इसी वजह से हम खाने से पहले तो हाथ धोते हैं, अब बार बार चेहरे को टच करते जा रहे हैं, या फिर चेहरे पे हमारा धूल मिट्टी ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ऐसे कुछ तो क्रीम नहीं लगा लेंगे, साफ करेंगे, गंदगी हटेगी तो ही तो ख्याल रखेंगे। इसी वजह से फेस वॉश करना, क्लेंजर करना इंपॉर्टेंट है। राइट, देन आपने ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स यूज करने की जरूरत है। आपने फिर सेरम को यूज करना है, विटामिन C जो सेरम है हमारा, ये आप इसको जरूर यूज करिएगा। ये सेरम, मार्क माय वर्ड, आपका मार्वलस असर करेगा, और धीरे धीरे करके कुछ महीनों बाद ये आपका सेरम इतना अच्छा आपका स्किन को बना देगा कि इतना ज्यादा ग्लोई बना देगा आपके स्किन को कि आपको ऐसा लगेगा नहीं, आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने दाग धब्बों को छुपाने के लिए, आपको कभी जरूरत ऐसी नहीं पड़ेगी कि मैं बहुत ज्यादा शिमर का, बहुत ज्यादा हैवी मेकअप का यूज करूं, क्योंकि आपका स्किन केयर ही इतना अच्छा रहेगा जिसके वजह से दाग धब्बे पूरे चले जाएंगे, पूरे फेड हो जाएंगे और फेस भी काफी ज्यादा ग्लोई रहेगा। राइट, देन आपने मॉइस्चराइजर यूज करने की जरूरत है। सबसे लास्ट में आपने सनस्क्रीन यूज करने की जरूरत है, जो कि ऑलरेडी इस हमारे लाइक यू नो ब्यूटी किट में एडेड है, तो आप यूज कर सकते हैं। इवनिंग में, रात में सोने से पहले आपने क्लेंजर यूज करना है, जो इस किट में हमारा है फेस क्लेंजर। देन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट अगर जरूरत है तो, नहीं तो ट्रीटमेंट प्रोडक्ट को आप साइड कर सकते हैं। देन आपने सेरम, विटामिन C सेरम जो इस हमारे किट में है ऑलरेडी, ब्यूटी केयर किट में आप यूज करेंगे। देन मॉइस्चराइजर हमें यूज करने की जरूरत है। ये एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन है डेली डेली का जो हम यूज करेंगे, जिसके वजह से हमारा स्किन मार्वलस वे में बहुत ही अच्छे से असर करेगा। ये अगर हम कुछ पहले जब भी स्टार्ट करेंगे यूज करना, एक बार आप बिफोर पिक्चर लीजिए सेरम के साथ, ये सारी चीज जो चीजें आप यूज कर रहे हैं, आप कुछ महीने बाद फिर से आप एक आफ्टर पिक्चर लीजिए और आप दोनों को डिफरेंशिएट करके देखिए, या फिर कोलाज करके देख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा यू नो बैक करके देख सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा अंतर पता चलेगा। जिसको भी फेस में काफी गड्ढे गड्ढे जैसे दिखते हैं, ऐसा लगता है कि फेस हमारा क्लियर नहीं दिख रहा है, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे से असर करेंगे। और रियलिटी में जो ये प्रोडक्ट्स दिखते हैं,
वो कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिलेंगे मैंने यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास ये प्रोडक्ट है ऑलरेडी, इसीलिए मैं आप लोगों को भी बार बार बोल रही थी कि बहुत ही अच्छे से असर करते हैं। जो इनकी पैकेजिंग आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं, जो कि हमारा शैम्पू प्लस बॉडी वॉश जो है ये 200 ml का आता है। यहाँ पे देख सकते हैं काफी ज्यादा लार्ज भी है, मतलब आप कुछ दिनों में इसको खत्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक साथ इतना इतना लेके लगाएंगे डजंट मीन कि हमें जल्दी इफेक्ट आ जाएगी। हम जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज करेंगे, डेली डेली यूज करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। देन उसके बाद हम यहाँ पे सनस्क्रीन लोशन देख सकते हैं, यहाँ पे इजिली पिंक कलर में लिखा हुआ है कि इसमें SPF 30 है, विद सनस्क्रीन है, मिक्स फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, विटामिन सी अच्छी खासी है इसमें। इन्हीं के साथ साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं एक और चीज है, जो कि हमारा फेस क्लेंजिंग लोशन है, 50 ml का, 50 ml का है। इन्हीं के साथ में जो फेस सेरम की अगर मैं यहाँ पे बात कर रही थी, वो काफी अच्छे से यहाँ पे फेस सेरम है, जो कि आपका यूज करने के लिए है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से वर्क करती हैं। और इनकी पैकेजिंग बहुत ही ज्यादा मार्वलस है। ये जो हमने जब हम बात कर रहे थे विटामिन सी, हमारा ये जो ब्यूटी केयर किट है वो आउटर में किस तरह का दिखता है हमने तो देखा था, लेकिन वो अंदर से कुछ इस तरह का दिख है। ये पूरा ये जो ब्लैक कलर का है ये काफी ज्यादा स्पॉन्जी रहता है, मतलब कंपनी इनकी पैकेजिंग इतनी ज्यादा अच्छी रखती है ताकि ये बहुत ही अच्छे तक अच्छे से आपके पास डिलीवर भी हो जाए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा डेली ब्यूटी केयर किट, इसी वजह से इसका नाम में डेली का यूज किया गया है, क्योंकि इनमें जो प्रोडक्ट एड ऑन किए गए हैं ये जो स्किन केयर रूटीन जो है हमारा डेली यूज करने का है। अगर आपको इन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड अब कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आई बिलीव कि जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो चैट बॉक्स में कुछ कुछ बहुत सारे चैट आए थे, सो लेट मी सी दोस चैट। अगर आपका कोई भी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, इस किट से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, आप लोग जरूर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, सो दैट आई कैन नो, एंड आप फीडबैक भी लिख सकते हैं आज के इस सेशन के बारे में। सो जस्ट लेट मी सी इन द चैट बॉक्स फर्स्ट। सरम के साथ क्या मिलाना है? सरम के साथ कुछ भी नहीं मिलाना है, डायरेक्ट सरम लगाना है। हमने फेस वॉश किया क्लेंजर से, राइट, जैसे आप फेस वॉश करते हैं वैसे ही आपने क्लेंजर से फेस को क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद आपको सरम थोड़ा सा लेना है, या फिर अगर आपको लगता है कि आप लगाते हैं, लगाने आपको मिलाने से पहले ही पूरा फेस में बहुत ज्यादा फैलने लग जाता है, तो आप एक काम करेंगे, आप हैंड में ही थोड़ा सा कुछ ड्रॉप ले लीजिए सेरम का, मिला लीजिए हाथों में, और हाथ फिर उसके बाद आप अपने पूरे चेहरे पे लगा लीजिए। उस तरह से कर सकते हैं आप। सेरम को किसी चीज के साथ मिक्स नहीं करना है, उसको वो अकेले ही लगाना है। आई होप केतन सर आपको ये जो आंसर है मिल गया होगा। थैंक यू सो मच सुनीता मैम। ओके, सो आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया बाथिंग टाइम के बारे में, कि बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम बाथ नहीं लेना है, क्योंकि हमारा स्किन बहुत ड्राई होने लग जाएगा, ओवर मेच्योर्ड हम दिखने लग जाएंगे। सो जिसने भी यहाँ पे शॉर्ट टाइम लिखा है, गुड टू नो कि आप ऑलरेडी शॉर्ट टाइम ले रहे हैं, बट बहुत ज्यादा भी शॉर्ट नहीं, एक प्रॉपर हमारा केयर भी होना चाहिए बॉडी का, लेकिन लॉन्ग बिल्कुल भी हमें लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गुड टू नो कि आपको आज का जो हमारा वेबिनार है ये अच्छा लगा। लेकिन मेरी थोड़ी सी यही एक मतलब रिक्वायरमेंट भी आप बोल सकते हैं कि अगर हमारा सेशन इतना ज्यादा आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अच्छा है, तो जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो रैपिडली डिक्रीज क्यों होते जा रहे हैं? मतलब कोई ना कोई ऐसा रीजन है जो नंबर ऑफ मेंबर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं, या फिर कभी कम आते हैं कभी ज्यादा आते हैं। सो अगर ये कोई रीजन है तो आप लोग जरूर ये प्रॉब्लम, ये जो रीजन है आप शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि अगर कुछ वैलिड रीजन है तो हम लोग जरूर हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फाल्गुनी मैम। और ये जो हमारा किट है, किट के पीछे बोल सकते हैं हम लोग कि इनका जो प्राइस है, MRP जो है वो 2000 रुपीज लिखा हुआ है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड टू इफ आई एम एबल टू शो दिस।
ओके सो आई बिलीव कि ये जो किट है आपको किट इजीली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये जो किट है वो कुछ इस तरह से दिखती है। मेरे पास भी एक किट है इसलिए मैं इसका एक्सपीरियंस काफी अच्छे से आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर पा रही हूँ। और इनका जो एमआरपी है इजीली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे क्लियरली रिटन है, लिखा हुआ है कि ये 2000 रुपीज का किट है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए नहीं दिए है क्योंकि आई बिलीव कि एक बार बहुत पहले भी जब हमारा ये सेशन हुआ था इस किट के बारे में, तो मैंने एक एक प्रोडक्ट को यूज करके टच एंड फील करके उनके डेमोन्स्ट्रेशन दिए थे। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे अभी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिए। टाइम चेंज होना चाहिए सुनीता मैम। ओके सो वी विल यू नो थिंक कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो टाइम है वो सिटेबल आप लोगों के लिए, जो सिटेबल टाइम है वो क्या रहता है, एक बार आप जरूर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि टाइम के वजह से मतलब जो है नंबर ऑफ मेंबर्स जो है नहीं मतलब जुड़ पा रहे हैं क्योंकि वो लोग अपना बिजी स्केड्यूल लाइफ में रहते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड टाइम जो है वो क्या, सिटेबल टाइम क्या है, आप जरूर यहाँ पे लिख के हमें बता सकते हैं। सो अगर सबकी वांट यही रहेगी कि टाइम चेंज होना चाहिए, तो डेफिनेटली हम लोग फिर उस पे वर्क ऑन करेंगे। ओके सेरम क्यों नहीं लॉन्च हो रहा है? सर हमने यहाँ पे जो सेरम के बारे में डिस्कस की है, सेरम तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, इस किट में ऑलरेडी सेरम है। तो इस तरह से अगर आप यूज करेंगे तो जो इसमें ऑलरेडी सेरम है इसमें तो हर चीजें हमें मिल ही जा रही है। इसमें हमें क्लेंजर मिल जा रहा है फेस को वॉश करने के लिए, इसमें हमें सेरम मिल जा रहा है, इसके अंदर हमारा हम लोग बोल सकते हैं सनस्क्रीन, जो कि धूप में जाने से जेंट्स लेडीज हर कोई ही इसको यूज करेंगे वो भी है। इसी के साथ साथ हमारे लिए और ज्यादा अच्छा है कि हमारा शैम्पू और बॉडी वॉश दोनों ही हमें इसमें मिल जा रहे हैं, मतलब अलग अलग अब हमें चीजें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेंगी। सो ये सारी चीजें आपका डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, तो बहुत ही अच्छे से आप इस पे वर्क ऑन भी कर सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है जब एक बार यूज करना स्टार्ट करेंगे आपका बहुत ही अच्छे से रिटेल भी होगा। डेफिनेटली शंभू सर हम लोग वी विल ट्राई कि हम लोग जो टाइमिंग है वो जरूर देखेंगे सिटेबल आप लोगों के हिसाब से। आप इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि आप लोगों का जो यू नो सिटेबल टाइम है, जो आप लोगों को लगता है कि इतने बजे होना चाहिए, आप लोग जरूर चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं सो दैट वी कैन वर्क ऑन दैट। हम लोग वहां पे जरूर सोच सकते हैं कि उस टाइम पे अगर हम अपने सेशन रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। आप सजेस्ट कर सकते हैं टाइम 1 बजे, 6 बजे। ओके वंदना मैम, अभी तो सेरम जो है हमारा ये किट में ही है, अभी ऐसा नहीं है कि ये अलग से है, बट हो सकता है क्योंकि कंपनी काफी ज्यादा वर्क कर रही है, राइट? हो सकता है इन फ्यूचर की वो अगर रिक्वायरमेंट इनकी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने प्रोडक्ट यूज नहीं किया है। यहाँ पे बहुत लोग, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही पूछा था कि किसने किसने ये प्रोडक्ट यूज किया है, बहुत सारे लोगों ने ये आंसर किया था कि उन्होंने यूज किया हुआ है, लेकिन कुछ कुछ लोगों के आंसर वहां पे नो भी थे, 1 से 2 लोगों के आंसर वहां पे नो भी थे। अगर ऐसा रहेगा कि सेरम की रिक्वायरमेंट जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तब हम ये जरूर फिर देखेंगे कि सेरम को सेपरेटली लाने का। इसीलिए फर्स्ट वी हैव टू बी द यूजर, फर्स्ट वी हैव टू बी द परफेक्ट पर्सन। हम लोग खुद से यूज करेंगे, रिक्वायरमेंट जितनी ज्यादा बढ़ेगी उसके हिसाब से इनके अवेलेबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा रहेंगे। ओके वोटर्स 6 या फिर 7 चलेगा, पीएम चलेगा। थैंक यू सो मच लक्ष्मी मैम। यूज करने के बाद केतन सर
आप ये जो किट है आप किस तरह से यूज कर रहे हैं, प्लीज लेट मी नो एक बार। आप सेशन के बाद या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि शाम के टाइम काफी ज्यादा बिजी स्केड्यूल हो जाता है, सेशंस काफी ज्यादा रहते हैं, सो इट्स बेटर कि 10 बजे, सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक एक बार आप जरूर, मतलब जो ऑफिशियल टाइम होता है, एक बार कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इवन आप मैनेजमेंट में भी, एकता मैम के पास भी आप डिस्कस कर सकते हैं, आप मेरे इधर भी डिस्कस कर सकते हैं है, सो दैट वी कैन नो कि मतलब आप जो जिस तरह से यूज कर रहे हैं, क्या ऐसा तरीका है कि आपको जो पिंपल होने के चांसेस आपको लग रहे हैं, क्योंकि पिंपल तो बहुत सारे रीजन के वजह से हो सकते हैं, राइट? तो इट्स बेटर कि एक बार आप डिस्कस करें तो अच्छा रहेगा। 6-7 PM, ओके। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली एक बार आप मैनेजमेंट से नंबर ले सकते हैं, बेटर रहेगा। ओके, सो आई बिलीव कि हमने यहाँ पे जो आज इस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस की है, हर एक पर्सन इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, बिकॉज हम अपनी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, और प्रमोट जब हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं वो इसलिए, इसी मेन मोटिव के साथ, क्योंकि हमारा जो मतलब इनकम है वो हमारा जनरेट भी हो सके। तो जब इनकम जनरेट करना है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ये हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, तो हमें इसको यूज भी तो करना है, हमें इसको लेना भी तो है, सो हमें इसको यूज करने के लिए इसको परचेज भी करने की जरूरत है। हर एक लीडर के घर पे ये प्रोडक्ट होना ही होना चाहिए, और आपके जो न्यू जॉइनीज है आप जरूर उनको यहाँ पे लाइक उनको सजेस्ट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के साथ, अगर आप उनको देते हैं स्टार्टिंग में ही, वो उनका ये वन ऑफ द बेस्ट एवर बोल सकते हैं किट होगा, जो कि बहुत अच्छे से वर्क करेगा। सो हमेशा ये जो 4 बजे की कंटिन्यूटी है अभी फिलहाल तो चलती रहेगी, मतलब जब तक ऐसा नहीं होता है कि टाइम चेंज हो, राइट? इसी हिसाब से तब तक के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस सेशन सो स्पेशल। स्टे सेफ एवरीवन, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।